व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड ड्रॉप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इमर्सिंग इफेक्ट, ये दो है छोटे छोटे सवाल कि रेड ड्रॉप क्या है और इमर्सन इफेक्ट क्या है। व्हाट इज द रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप क्या है, तो ये अपने दो नंबर का सवाल आता है और क्वेश्चन के अंदर पूछा भी जाता है कि रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट क्या है, तो अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट थे जैसे एमर्सन और लेविस नामक साइंटिस्ट थे। एमर्सन और लेविस नामक साइंटिस्ट ने क्या है, ये जो लीव है इस लीव के ऊपर रेड लाइट को फॉल किया, इन्होंने क्या किया, जो लाल प्रकाश है उसको इस लीव के ऊपर गिराया, यानी इन्होंने जो रेड लाइट है उस रेड लाइट को इसके ऊपर फॉल किया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसकी स्टडी की इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि जो लाइट है जिसका नाम है आपको बताना है रेड लाइट, यानी कि इन्होंने क्या किया था, मोनो एक ही तरह की लाइट यूज़ की थी, एक ही प्रकार के जो फोटोन्स हैं, एक ही टाइप की वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को इसके ऊपर गिराया, इसके ऊपर जैसे क्या है एक ही टाइप की वेवलेंथ है उसको गिराया, जैसे इन्होंने 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको गिराया इसके ऊपर और फोटोसिंथेसिस की रेट की स्टडी की। फिर उसके बाद उन्होंने देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो गई, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाती है, इसको कहते हैं रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप क्या है, रेड ड्रॉप का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने एमर्सन और लेविस नामक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर गिराई लाइट, फायर लाइट अपने कहते हैं कि फायर रेड लाइट है उसको गिराया, गिराते ही उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो गई। अब इसके बाद में एमर्सन और कोशिक नामक साइंटिस्ट आए, या एमर्सन और लेविस है और या एमर्सन और कोशिक है, इन्होंने वापस इस लीव को लिया और लीव को लेके इसके ऊपर दो डिफरेंट वेवलेंथ है, दो डिफरेंट वेवलेंथ है उसकी लाइट्स को गिराया, दो डिफरेंट वेवलेंथ है वो लाइट इसके ऊपर गिराई, और जैसे इसके ऊपर इन्होंने क्या किया 680 नैनोमीटर के साथ में 680 नैनोमीटर के साथ में 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको गिराया, इन्होंने देखा फोटोसिंथेसिस की रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ गई। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, तो इसको कहते हैं इमर्सन ग्रोथ इफेक्ट, इमर्सन ग्रोथ इफेक्ट। अब सवाल आता है रेड ड्रॉप क्या है, तो बच्चे लिख देते हैं कि कुछ गिर गया, यानी लाल पेन नीचे गिर गया, या अपन कहते हैं कि अपने जो लाल लाल है लाल जी बाह है वो गिर गए, तो उसको कहते हैं लाल लाल ड्रॉप। तो अपने ध्यान रखना है कि इसमें एक्चुअल में क्या है, आपको मन से नहीं लिखना है। रेड ड्रॉप पूछा, रेड ड्रॉप का मतलब है लाल गिरा है, तो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ जैसे इसके ऊपर गिराई, तो रेड ड्रॉप क्या है, रेड ड्रॉप का मतलब ये है कि जैसे क्या किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस है उसकी स्टडी की जाती है और वेवलेंथ गिराकर, जैसे 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिराई जिसको अपन कहते हैं लाल प्रकाश, यानी अपन रेड लाइट है वो गिराते हैं, गिराते ही अपन देखते हैं फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो गई, तो अपन कहते हैं ये क्या है, ये रेड ड्रॉप है। लेकिन इमर्सन इफेक्ट क्या है, इमर्सन इफेक्ट का मतलब है आपने दो डिफरेंट वेवलेंथ है वो गिराई, 680 650 दो नैनोमीटर की अलग अलग वेवलेंथ गिराई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो गई, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमर्सन ग्रोथ इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या होगा, तो ये मेन आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट क्या है। अब सवाल आता है कि ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट का कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट ही काम आता है और इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते हैं, और फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते ही फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाती है, तो जब डिफरेंट वेवलेंथ गिराई जाती हैं तो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो काम नहीं आता है, फर्स्ट के साथ सेकंड भी काम आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है।
जबकि रेड ड्रॉप का कारण है ये कि फोटोसिंथेसिस काम आता है और साइक्लिक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही होती है। तो रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो एक छोटी सी दो नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, एक्सप्लेन द रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। तो आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है, लाइक किया है और सब्सक्राइब करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, आई विश यू विल बी गेट गुड मार्क्स इन ऑल एग्जाम। थैंक यू।